चलिए काफी टेक्निकल समस्याएं आने के बाद हम लोग फिर से इसमें जुड़े हैं, तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो प्लेकोडर्म्स थे, जो प्लेकोडर्म्स या एग्नेथा है, प्लेकोडर्म्स की उत्पत्ति वो एग्नेथा से हुई। एग्नेथा जो थे या जबड़े विहीन जंतु जो थे, वो पहले उत्पन्न होने वाले कशेरुकी प्राणी हैं, पर ट्रोमाइजान और हैगफिशेज इनके अंतर्गत आते हैं। इनसे प्लेकोडर्म की उत्पत्ति हुई। और प्लेकोडर्म्स एक ग्रीक शब्द है। प्लेकोडर्म्स का मतलब होता है हैवी प्लेट्स। यानी कि हैवी प्लेट्स, प्लेटेड स्किन, यानी कि इनकी जो त्वचा है वो भारी प्लेट युक्त थी, उनमें अस्थिर प्लेटें थी। तो इनके बाहर, इनके शरीर के बाहर जो अस्थियों के बने प्लेटें थी, जिनसे इनके शरीर की सुरक्षा होती थी, उसके कारण इनको प्लेकोडर्म्स का नाम दिया गया। अर्थात इसके अंतर्गत वह मछलियाँ आती हैं जिनका शरीर बोनी प्लेट से घिरा होता है। यानी कि जैसे आज की फिशेज का शरीर जो है अलग अलग तरीके के स्केल्स से घिरा होता है और वह उनकी सुरक्षा करती हैं, ऐसे ही जो प्लेकोडर्म्स थे इनका शरीर बोनी प्लेट से घिरा होता है, बोनी प्लेट्स के अंदर बंद होता है। तो ये बोनी प्लेट्स जो हैं इनसे इनका शरीर बंद होता है, इसलिए इनको प्लेकोडर्म कहा गया। अब प्लेकोडर्म्स एक ग्रुप का नाम है जिसमें कई तरीके की मछलियाँ आती हैं, लेकिन ये प्राचीन मछलियां हैं, बहुत पहले पाई जाने वाली मछलियां हैं, और आज के समय में ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट है। मतलब ऑल प्लेकोडर्म्स आर, ऑल प्लेकोडर्म्स आर एक्सटिंक्ट नाउ, एक्सटिंक्ट नाउ। आज के समय में ये सारे के सारे जो प्लेकोडर्म हैं ये लुप्त हो चुके हैं। केवल इनकी, इनका जो है हमें फॉसिल्स मिलते हैं, और उन्हीं फॉसिल्स के द्वारा ही हम इनके कैरेक्टर के बारे में पता लगाते हैं। तो प्लेकोडर्म्स वेयर अर्लियर फिशेज एंड दीज वेयर फर्स्ट जॉड फिशेज, फर्स्ट ट्रू फिशेज व्हिच हैव बीन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सिल्यूरियन पीरियड ऑफ दिस जूलॉजिकल टाइम पीरियड। ये सिल्यूरियन पीरियड में उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? एग्नेथा से उत्पन्न हुए, एग्नेथा लाइक एंसेस्टर से उत्पन्न हुए। एंड दे वेयर क्वाइट डोमिनेंट ड्यूरिंग ए ब्रीफ पीरियड ऑफ डिवोनियन पीरियड। और ये डिवोनियन पीरियड के दौरान, यानी सिल्यूरियन के बाद जो दूसरा कल्प आया डिवोनियन पीरियड, उसके दौरान ये काफ़ी इनकी संख्या रही, काफ़ी ये प्रभावी रहे। उस दौर में इनका ही राज्य रहा। यानी कि कार्डेट प्राणियों की अगर बात करें तो उस समय इन्हीं का राज था, ये काफी प्रभावी थे। अब प्लेकोडर्म्स भी अर्लियर जॉड कार्डेट कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स एंड अर्लियर ट्रू फिशेज, ये अर्लियर ट्रू फिशेज भी हैं। प्लेकोडर्म्स भी ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सिल्यूरियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई। एंड क्वाइट डोमिनेंट ड्यूरिंग ए ब्रीफ पीरियड ऑफ डिवोनियन। ये चूंकि मैं एक बार इसको स्ट्रीम कर चुका था, इसलिए फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सही नहीं हो पाया था। तो प्लेकोडर्म्स भी आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सिल्यूरियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई, और डिवोनियन के दौरान इनका राज्य रहा, ये काफ़ी प्रभावी रहे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अपना क्वेश्चन चाहे हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में सीधे लिख सकते हो, वहाँ हम देख लेंगे उसको। तो इस तरीके से इतना समझिए कि प्लेकोडर्म्स प्राचीन मछलियाँ हैं, पहले जबड़े युक्त मछलियाँ हैं। इनका शरीर बोनी प्लेट्स के अंदर बंद होता था, इसलिए इन भारी प्लेट युक्त स्किन के कारण त्वचा के
अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेकोडर्म्स। पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑल ऑफ देम हैड ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ जॉ। चूँकि ये पहले जायुक्त प्राणी थे तो इनका जो जॉ है, जो इनका जबड़ा है वो काफ़ी प्राचीन प्रकार का है, प्रिमिटिव टाइप का। ऑल ऑफ देम हैड ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ जॉ, पहला लक्षण हो गया। दूसरा, द अपर जॉ वाज स्ट्रांग एंड फ्यूज्ड विथ स्कुल, जो इनका ऊपरी जबड़ा था वो काफ़ी मजबूत था और स्कुल के देखिए बोनी प्लेट्स, अभी हम बता देंगे बोनी प्लेट्स क्या है, थोड़ा सा इसको हम कंप्लीट कर लें फिर बोनी प्लेट्स समझाते हैं क्या है बोनी प्लेट्स। तो द बोनी प्लेट्स वाज कवर्ड विथ, देयर बॉडी वाज कवर्ड विथ हैवी बोनी प्लेट्स। बोनी प्लेट्स एक्चुअली बोन की बनी प्लेटें थी, जैसे आज के समय में जो फिशेज में प्लेटें होती हैं या स्केल्स होते हैं उनके उसके द्वारा उनका शरीर बंद होता है, तो उस तरीके से ये जो बोनी प्लेट्स थे, अगर हम बोनी प्लेट्स की बात करें तो जो इस तरीके से फिश का बॉडी था, ये मान लीजिए कि हमारी फिशेज थी इस तरीके से, तो इनके शरीर में बोन यानी अस्थि की बनी प्लेटें थी, पूरा जो इनका स्किन था वो इस तरीके से अलग अलग, जैसे कि कछुए का जो वो होता है, कछुआ एक कवर के अंदर बंद होता है जिसको प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, तो इस तरीके से इनका शरीर भी अस्थियों की बनी प्लेट्स के अंदर बंद होता था और इसे ही हम बोनी प्लेट्स कहते थे। ये बोनी प्लेट्स थी और इसी से इसी के अंदर जो है इनका शरीर बंद था। ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उस समय जिस जल में इनकी उत्पत्ति हुई थी उस समय काफ़ी विषैले अरेक्नॉइड पानी में पाए जाते थे, या जिन्हें हम विषैले बिच्छू कहते हैं, विषैले बिच्छू उस समय पाए जाते थे, तो संभवतः इनके डंक से बचने के लिए ही प्लेकोडर्म्स में बोनी प्लेट्स का विकास हुआ और इसी बोनी प्लेट्स के कारण ये उस समय सबसे ज़्यादा डोमिनेट रहे, इनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि अगर ये ना होती तो ये जो विषैले एरेक्नॉइड एनिमल्स थे उस समय, जो स्कॉर्पियन थे, सी स्कॉर्पियन, उनके डंक से ये उभर नहीं पाते और शायद इनकी मृत्यु हो सकती थी। तो इसी वजह से इनमें बोनी प्लेट्स का विकास हुआ और उस बोनी प्लेट से ये जो है वो घिरे हुए थे। अब आगे देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ऑल ऑफ देम हैड ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ जॉ, इनमें प्राचीन प्रकार के जबड़े थे। दूसरा, अपर जॉ यानी जो ऊपरी जबड़ा था वो काफ़ी स्ट्रांग था और स्कूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो हिल डुल नहीं सकता था, इमूवेबल था, केवल निचला जबड़ा ऊपरी हुआ करता था। तीसरा पॉइंट, देयर बॉडी वाज कवर्ड विथ हैवी बोनी प्लेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोनी प्लेट्स दे वेयर टर्म्ड एज प्लेकोडर्म्स, इसी बोनी प्लेट्स के आधार पर इन्हें प्लेकोडर्म कहा गया। अब चूंकि ये एक्वाटिक थे यानी कि जल में पाए जाते थे, तो श्वसन के लिए इनमें गिल का होना जरूरी था, तो यहाँ पर जो गले का भाग था वहाँ पर हाइवाइड गिल स्लिट्स इनमें थे, हाइवाइड गिल स्लिट्स वेयर प्रेजेंट एंड स्पायरेकिल वेयर नॉट फॉर्म्ड। स्पायरेकिल एक तरीके का श्वसन छिद्र होता है जो गिल से ही संबंधित होता है, जो आधुनिक फिशेज हैं उनमें स्पायरेकिल होता है जो मछलियों का श्वसन तंत्र है, और जो विकसित गिल हैं उनमें स्पायरेकिल पाया जाता है, लेकिन इनमें स्पायरेकिल नहीं होता था, केवल सिंपल गिल स्लिट्स थे। तो हाइवाइड गिल स्लिट्स वेयर प्रेजेंट एंड स्पायरेकिल वेयर नॉट फॉर्म्ड, मतलब हाइवाइड गिल तो प्रेजेंट थे लेकिन स्पायरेकिल जो है इनमें नहीं बने थे। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये अगर लिख लिए हो सब लोग तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या ये नोट कर लिए।
अभी एग्जाम्पल बता देंगे इसका, कौन सी एग्जाम्पल है आगे अभी हम इसकी एग्जाम्पल बता देंगे, लेकिन इतना समझिए कि जो प्लेकोडर्मी फिशेज हैं वो सारी की सारी आज के समय में लुप्त हैं, केवल उनके चट्टानों में उनके निशान मिले हैं या उनके जीवाश्म मिले हैं, मतलब जीवित दशा में कोई भी प्लेकोडर्म्स इस समय नहीं पाई जाती। तो अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नोट कर लिया जाए। तो अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है, पेयर्ड फिन्स बियर प्रेजेंट, जो युग्मित पंख थे वो इनमें प्रेजेंट थे, पेयर्ड फिन्स बियर प्रेजेंट बट बियर क्वाइट वेरिएबल इन मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो पेयर्ड फिन्स थे वो तो उपस्थित थे बट वियर क्वाइट वेरिएबल, लेकिन उनमें काफी विविधता थी, बट वी आर क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप के जो अलग अलग मेंबर में जो इनके पेयर्ड फिन्स थे उनमें काफी अंतर थे, काफी विविधता थी। तो पेयर्ड फिन्स वी आर प्रेजेंट बट वी आर क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप। इसके बाद ऑल प्लेकोडर्म्स वी आर प्लेस्ड इनटू द फॉलोइंग थ्री क्लासेस। तो ये जो सारे प्लेकोडर्म्स यानी प्लेकोडर्म्स का जो समूह है इनको हम इन तीन क्लासों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो है वो एकैंथोडी है, दूसरा है काकोस्टियाई और तीसरा है टेरिक्थीस। इन तीन जो वर्ग हैं इनमें जो है इनको रख के पढ़ा जाता है। और अब देखिए एकैंथोडी का जो एग्जाम्पल है वो है क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस एक फिश है, तो इसे चाहे ये कह सकते हैं कि प्लेकोडर्म के अंदर एकैंथोडी का एग्जाम्पल है या प्लेकोडर्म का एग्जाम्पल सीधे लिख सकते हैं। क्लाइमेटियस एक एग्जाम्पल है एकैंथोडी का। काकोस्टियाई या आर्थोडीरा इसको कहते हैं, जो काकोस्टियाई है इसका दूसरा नाम है आर्थोडीरा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो काकोस्टियस इसका जो एग्जाम्पल है वो है काकोस्टियस COCOSTIUS। काकोस्टियस एक फिशेज थी जिसका जो है वो जीवाश्म मिला है। तो इसका अगर फिगर देखेंगे किताबों में तो काफ़ी इसमें भी बड़ी बड़ी बोनी प्लेटें थीं और जिससे यह घिरा हुआ था। जल्दी में हम इनके फिगर अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन आगे प्रयास करेंगे कि इनके फिगर दिखाएं ताकि जो है और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। एक जो इसमें है टेरिक्थीस का अगर एग्जाम्पल लें तो बाथ्रियोलेपिस जो है वो टेरिक्थीस का एग्जाम्पल है। बाथ्रियोलेपिस ये जो है वो टेरिक्थीस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम जो है इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये रहा जो है वो प्लेकोडर्म्स के बारे में। अगर इसमें 60 में लिखना है तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा कि प्लेकोडर्म्स जो है वो प्राचीनतम मछलियां हैं और पहली जबड़ीयुक्त मछलियां हैं। इनकी उत्पत्ति सिल्यूरियन काल में हुई तथा डिवोनियन काल में ये इनकी संख्या काफ़ी पाई जाती थी। डिवोनियन काल में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। इनका शरीर अस्थि प्लेटों से घिरा होता था, इसके कारण इन्हें प्लेकोडर्म नाम दिया गया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय जो समुद्री अरेक्निड्स थे उनके डंक से बचने के लिए इन्होंने अपने ऊपर बोनी कवच का विकास किया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें छूट रहा है जो हम बता दें कि इनमें जो है जो प्लेकोडर्म्स थे उनका जो इंटरनल स्केलेटन था वो सब का सब वो कार्टिलेजनस था।
जो इनका छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑल प्लेकोडर्म्स है।